सो दोस्तों, ये रहा MI का फ़ोन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस MI के फ़ोन में एक दिक्कत है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं स्टार्ट करता हूँ और वही दिक्कत शायद आपके फ़ोन में भी है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन जो है वो बार बार रीस्टार्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं MI का लोगो आ रहा है और जा रहा है। ये प्रॉब्लम आखिर कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और पूरे चैनल को एक बार ज़रूर चेक करें, बिकॉज इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली के बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ हमारे चैनल को ब्राउज़ भी ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर उन सारे वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस दिक्कत को सॉल्व करते हैं कि कैसे आप अपनी इस रीस्टार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे आपके MI के फ़ोन के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम किसी भी MI के फ़ोन पे हो सकती है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो इशू है वो होता है बैटरी का। और वाकई में सच माने कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है रीस्टार्ट की, ये सिर्फ बैटरी की वजह से ही आती है। तो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एक होती है कि आपको अपनी जो बैटरी है वो बदलनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फटका लगेगा, यानी कि कम से कम 600 800 हज़ार रुपये का फटका, बिकॉज इसकी जो बैटरी आती है वो बहुत महंगी आती है मार्केट के अंदर। बट आप चाहे तो बिना बैटरी के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, तो मैं वो आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ समझ जाइए, जब भी आपके फ़ोन पर आए रीस्टार्ट, समझ जाइए वो प्रॉब्लम है बैटरी की। तो अब क्या करें, आप सबसे पहले आप अपनी जो बैटरी है उसे आप निकाल लें। तो ये जो MI की है, ये एक ओरिजिनल बैटरी आप देख पाएंगे। और अब आपको करना यह है कि इस बैटरी को आपको करना होगा पूरा डिस्चार्ज, यानी कि ये जो फर्स्ट पिन है और ये जो लास्ट पिन है, इस पे आप चाहे तो कोई भी बल्ब लगाकर आप इस पूरे बैटरी को डिस्चार्ज करें और फिर आप अपने फ़ोन में इसे लगाकर चार्जिंग शुरू करें। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस मेरे पास एक छोटा सा स्पीकर है, इसे मैं बजाकर दिखा देता हूँ कि आपको फर्स्ट पिन पर इसे लगाना है और फिर आप इसे सेकेंड पिन पर लगाएं। यह देखें, यह आवाज़ आ रही है। तो कुछ इस तरह से आप क्या करें, आप अपनी इस बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करें और फिर आप अपने इस फ़ोन के अंदर लगाएं। तो इस फ़ोन में मैं फिर से लगा देता हूं। और फ़ोन में लगाने के बाद आपको करना यह है कि बिना फ़ोन को चालू किए आपको चालू नहीं करना है, और आपको सीधा अपना जो पावर कॉर्ड है वो आपको लगा देना है, और फिर आपका जो फ़ोन है वो इस दिक्कत से जो है वो उभर कर निकल जाएगा। आप देख पाएंगे अब यहाँ पर पूरा जो मेरा फ़ोन है वो मैंने डिस्चार्ज नहीं किया हुआ है, यानी कि जो बैटरी है वो मैंने पूरी डिस्चार्ज नहीं किया, इसलिए ये जो रिस्टार्ट इशू है ये आपको शायद आपके फ़ोन पर मिल पाएगा। बट अब थोड़ा मैं वेट करता हूँ, ठीक है। इशू जो है आप देख पाएंगे बीच में रुक गया था, बीच में थोड़ा टाइम के लिए ये देखिए ये रुक चुका है, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आप अपनी बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करें और उसके बाद आप अपनी उसी बैटरी को फिर से इसमें यूज़ करके चला सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये भी चीज़ आपके काम नहीं आती है, यानी कि अगर ये प्रॉब्लम बरकरार है आपकी, तो आप अपनी इस बैटरी को फिर फेंक दीजिए। आप चाहें तो इसे यूज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज इसको आप चार्ज कर सकते हैं। आप जो एक क्या कहते हैं, एक मेंढक टाइप ऑफ एक्सटर्नल चार्जर आता है, उसके थ्रू आप इसे चार्ज करके आप इसे कहीं और जगह पर अपने यूज़ भी कर पाएंगे, बिकॉज ये बैटरी एकदम अच्छी खासी यूज़ेबल है। और अब बात आती है कि अगर फिर भी आपका फ़ोन कुछ उसी तरह से प्रॉब्लम देता है, तो आपको अपने मार्केट से एक नई बैटरी मंगानी होगी। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास एक स्पेयर बैटरी भी अवेलेबल है इस फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर ये बैटरी है, तो सेम BM44 जो बैटरी है MI की, वो आपको मंगानी होगी और वो आपको इसमें इंसर्ट करके डालनी होगी। तो ये मैं देखिए ये डाल देता हूँ, और अब इस फ़ोन को हम स्टार्ट करेंगे और अब देखें कि ये जो प्रॉब्लम है वो अब नहीं आएगी। तो ये फ़ोन मेरा स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो चालू हो रहा है बिना किसी इशू के। तो दोस्तों, अगर मेरी पहली तरकीब जो मैंने आपको बताया कि इस बैटरी को डिस्चार्ज करें पूरा और फिर इसे चार्ज करें, अगर वो काम नहीं आती है, तो आपको फिर नई बैटरी खरीदनी ही होगी। अब यहाँ पर ये जो बैटरी है, ये आपको मार्केट में 450, 500, 600, 800 के आसपास मिलती है, बिकॉज डिपेंड है कि आप किस एरिया में है, किस लोकेशन से है, वहाँ के मुताबिक आपको ये बैटरी कितने की पड़ती है। बट अगर आपको ये बैटरी महंगी पड़ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं ये बैटरी चाहूँ तो आपको कुरियर कर दूँगा। जो चार्ज है वो 450 रुपीज़ है, तो 450 रुपीज़ में आपको बैटरी मिल जाएगी।
अब ये जो बैटरी है ये फर्स्ट कॉपी बैटरी है, बट आप चाहे तो ये भी परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी चलती है। और अगर आपको ओरिजिनल बैटरी चाहिए, जैसे ये मेरे पास एम आई की ओरिजिनल बैटरी है, तो एम आई की ओरिजिनल बैटरी एम आई स्टोर पर आपको मिल जाएगी 1400 या 1200 में, बट यही सेम बैटरी ओरिजिनल बैटरी मैं आपको दिला सकता हूँ सिर्फ 800 रुपीज़ में। तो अगर ओरिजिनल बैटरी की रिक्वायरमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं ओरिजिनल बैटरी आपको कुरियर कर दूंगा। सिर्फ चार्जेस जो आपको पे करने हैं वो 800, और जो कुरियर चार्ज होगा वो आपको पे करना है। तो अब यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है ये स्टार्ट हो चुका है, आप देख पाएंगे, ये देखिए ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए। तो अब जो मेरी दिक्कत थी रीस्टार्ट वाली वो सॉल्व हो गई है, और यहाँ पर मेरा जो चार्ज है वो भी आई थिंक फुल होगा। थोड़ा सा मैं इसे ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दिखा नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपनी इस फ़ोन के लिए आप बेहतर सी बैटरी लगाएं, जिस तरह से मैंने इसमें लगा दी है, और फिर आप अपने फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इजी, बहुत आसान, किस तरह से आपको अपने फ़ोन की जो रीस्टार्ट इशू है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी अगर पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आप एक नई बैटरी ले और उसे आप इंसर्ट करें। तो सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप नई बैटरी लगा सकते हैं, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक नई बैटरी की, और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर देखते रहें, और चैनल को एक बार ज़रूर चेक करें, बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।